हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्लास पेंटिंग करेंगे इस ग्लास के जार में। तो काफ़ी बिगिनर्स का मुझे कमेंट आया था कि आप इस तरीके की वीडियोस बनाएं, ग्लास पेंटिंग हम किस तरीके से करें, बॉटल में या ग्लास जार में ग्लास कलर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या कौन सा उसमें कलर्स यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज उनके लिए बनाई है, बिगिनर्स के लिए, ताकि वो देख सकें कि किस तरीके से आपको ग्लास पेंटिंग का यूज़ करना है। कोई भी अगर आप ग्लास का जार लें या बॉटल लें तो किस तरीके से उसमें अप्लाई करना है आपको कलर्स, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते तो सबसे हैं। पहले हम 3D आउटलाइनर ले लेंगे, जो हमें ग्लास पेंटिंग के संग ये 3D आउटलाइनर अवेलेबल होता है तो वही हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो मार्केट से 3D आउटलाइनर अलग तरीके के भी ले सकते हैं, कलरफुल आते हैं। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक आउटलाइनर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आपको 3D आउटलाइनर से आपको डिज़ाइन बना लेना है। जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, सबसे पहले आपको आउटलाइनर का यूज़ करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये कलर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कलर यूज़ करेंगे तो इधर से उधर फैल जाएगा और उसमें आपका डिज़ाइन जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको एक 3D आउटलाइनर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद ही आपको कलर ये फिल करना है। तो जैसे अगर आप बॉटल ले लेते हैं तो देखिए ये इस तरीके की झूलती है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी। तो उसके लिए बेस के लिए आप कोई भी स्टिक या फिर आप कोई बेस यहाँ पे रोक दीजिए, ताकि ये बॉटल आपकी इधर से उधर ना जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर ये आपने वर्क कर दिया, उसके बाद अगर आपकी बॉटल गलती से भी इस तरीके से हो गई तो आपका सारा वर्क बेकार हो जाएगा। इसलिए एक बेस के लिए आप कोई भी स्टिक यहाँ पे लगा लीजिए। अब उसके बाद आपको 3D आउटलाइन अप्लाई करनी है। अब मैं एक ब्लॉक्स बना रहा हूँ, तो एक सिंपल ही मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ, जो इसमें जो जार का डिज़ाइन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके मिडिल में जितनी स्पेस मिल रही है वहीं पे मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा नीचे से नहीं ले रहा हूँ। तो जब भी अगर आपका ग्लास जार आप बनाएं या बॉटल में बनाएं, तो कोई भी अगर डिज़ाइन अगर नीचे है, डिज़ाइन नहीं भी है, तो आप कम से कम बॉटल के इतने ऊपर अगर आप लगाएं डिज़ाइन बनाएं, ताकि ज़्यादा अगर आप नीचे से करेंगे तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। इसलिए हमेशा बॉटल से थोड़ा सा ऊपर डिज़ाइन बनाएं आप, ताकि आपका डिज़ाइन जो है नीचे से ख़राब ना हो। और मेरे पे जो बॉटल का जो डिज़ाइन है जार का, बेस के अंदर ही बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको ब्लॉक्स बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ब्लॉक्स बनाने हैं। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जैसे कहीं मिस्टेक हो जाती है तो एक कपड़ा हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आप इंस्टेंटली उसको इरेज कर सकें और फिर से बना सकें। तो जितना ये आपको वीडियो में देखने में इजी लगता है, उतना बनाने में इजी नहीं है। इन चीज़ों में टाइम ज़रूर लगता है और काफ़ी मेहनत का काम होता है ये। तो जब भी आप यूज़ करें तो देखिए शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कुछ भी चीज़ करने में। तो जैसे हमने ये ब्लॉक्स बना लिए हैं, तो अब देखिए साइड में अगर आपको ये बनाना है, देखिए अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, तो ये ड्राई कम से कम 2 या 3 घंटे में ये ड्राई होगा। तो ये जब ये ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप इसके बैक सरफेस पे या साइड पे आप बनाइए, या फिर आप इसको हाथ में पकड़ के इस तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपका हाथ ज़्यादा शेक कर रहा है और आपको इसी तरीके से बनाने में आसानी हो रही है, तो कम से कम आप 2 से 3 घंटा इसको वेट कर लीजिए, इसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद इसको टर्न करके आप फिर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही पकड़ के ड्रॉ कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये पूरा ड्रॉ कर लिया है 3D आउटलाइनर से। तो अब हम इसको पूरा ड्राई होने देंगे, कम से कम 2 या 3 घंटे इसको आप ड्राई होने दीजिए। उसके बाद ही अब हमें ग्लास कलर्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुका है।
अब हमें ग्लास कलर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए इसको आप एक जगह फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बॉटल हो या जार हो ये आपका हिलना नहीं चाहिए जब आप ग्लास कलर्स करें। तो काफ़ी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कलर्स ये थोड़े लिक्विड हैं, अगर आपकी बॉटल हिलते रहेगी तो कलर्स आपका फैलता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपकी बॉटल एक ही जगह पे बने रहे, जब तक कलर प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपको बॉटल को हिलाना नहीं है। तो हम इसमें कलर अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गोल्डन कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको कलर इसमें फिल करना है। अगर इसमें कहीं से भी बबल्स अगर आपको दिखते हैं तो कोई भी पिन या टूथपिक से आप इसके बबल को हटा सकते हैं। बबल्स हटाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है ताकि आपकी एक सिंपल सी क्वालिटी बने रहे प्लेन, नहीं तो बबल्स अगर रह जाएंगे तो बबल्स ही बबल्स उसमें दिखेंगे। इस तरीके से आपको कलर यूज़ करना है। अब कितने बिगिनर्स पूछते हैं कि हम बगैर आउटलाइन के, बगैर 3D आउटलाइनर के हम कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये लिक्विड कलर्स होते हैं, अगर आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो कलर्स आपके फैलेंगे। तो अगर आपको आउटलाइन नहीं बनानी है तो आप सिंपल से ग्लास जो शीशा आता है फ्रेम का उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप आउटलाइन बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आपको बेस्ट आउटलाइन में ही होता है ताकि आपका कलर आपको जहाँ चाहें उसी कलर में यूज़ कर सकें। अब देखिए जैसे ये बबल्स आ रहे हैं, तो इस बबल्स को इस तरीके की कोई भी स्टिक ले सकते हैं या पिन ले सकते हैं, तो उससे बबल आप हटा सकते हैं। जब तक बबल्स हट नहीं जाए वो चीज़ आपको करते रहना है। ये देखिए अब ये बबल्स हट चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से यहाँ पे कलर कर लिया है, अगर मैं साइड में कलर करता हूँ तो वो बह के नीचे को चले जाएगा। तो जब तक ये प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हुआ था आपको उतनी देर रुकना पड़ेगा, तभी आप दूसरी जगह कलर अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इसमें जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, इसमें टाइम देना पड़ता है आपको। तो लगभग देखिए ड्राई कम से कम ये 8 से 10 घंटे या 24 आवर्स का आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप दूसरी जगह यूज़ करेंगे। तो जब तक ये प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होता है तब तक मैं यहाँ पे कलर नहीं करूँगा, तो उसका वेट कर लेते हैं हम। और तब तक आपको इसको बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना है ताकि ये हिले डुले नहीं, कहीं भी हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहे, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से ड्राई होगा। तो इसको आप एक जगह ऐसी छोड़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसमें कलर करा है, तो कम से कम 5 से 6 आवर्स का हमने इसमें टाइम लिया है। आपको इस तरीके से बॉटल रखनी है, जब आप इसमें कलर कर लें, जब ये ड्राई हो जाए कम से कम 5 या 6 आवर्स तक ड्राई हो जाए, तो उसके बाद ही आप इसको टर्न करके फिर आप सेकंड यहाँ पे आप बना सकते हैं, अपने ब्लॉक में कलर फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से जब ये फिर ड्राई हो जाए तो फिर आप 6 7 आवर्स रुक के फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे कलर फिल करने हैं। इन चीज़ों में टाइम भले ही लगता है लेकिन उसके बाद आपकी चीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो हमेशा ग्लास कलर्स में आप इनको टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने पेंट करा और वो जल्दी ड्राई हो गए, जल्दी आपका रेडी हो गया, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।